फिर एक नए वीडियो के साथ। ये वीडियो शायद उनके लिए स्पेशल होने वाली है जो लोग टी स्प्रिन को यूज़ करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा टी स्प्रिन में दिक्कत फेस करते हैं, जिनका टी स्प्रिन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। तो आइए गाइज, मैम आपको टी स्प्रिन को प्रॉपर वर्क कराएंगे और आप देखेंगे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, आप राइनो में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली जो इसका डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी फाइल डाउनलोड है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे रख रखा है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। तो सिंपली चलते हैं, मेरे पास डेस्कटॉप पे फाइल है तो मैं डेस्कटॉप में चलता हूँ। टी स्क्रीन को मैं इसको ओपन करता हूँ, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में मेरा रखा हुआ है। ओपन करने के बाद आपको जो सेकंड ऑप्शन है आपको इसको ओपन करना है। मैं एक मिनट इसको आप ओपन कर लेता हूँ। टी स्क्रीन को मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। जो यहाँ पे सेटअप है इसको आप डबल क्लिक करना है आपको। करने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल का वेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, करके आप एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे जो सीरियल नंबर है वो आपको यहाँ पे नोटपैड है, नोटपैड में मिल जाएगा। आप यहाँ से सिंपली कॉपी कर लीजिए जो भी है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ, सिंपली थर्ड वर्ड को इसमें कॉपी कर लिया और ये जो लास्ट वन है इसको मैंने इसमें पेस्ट किया। देखिए अब प्रिंट ठीक हो गया, तो सिंपली इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रीन टिक होना चाहिए, अगर रेड क्रॉस आएगा तो आपका इंस्टॉल नहीं होगा और प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। आपको यहाँ पे दोनों ग्रीन टिक होना चाहिए, फिर सिंपली आप नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए इसको। आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है टी स्प्रिन में, कि पता आपको पता ही है कि कुछ कुछ वर्क नहीं करता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप सिंपली इसको फिनिश कर दीजिए, फिर आप इसको क्लोज कर दीजिए। फिर जो आप यहाँ पे क्रैक का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, जो इसका क्रैक है इसको कॉपी कर लीजिए। तो मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल प्लस सी से। तो आप डिस्क पीसी में जाएंगे, जाने के बाद सी ड्राइव में आपको प्रोग्राम फाइल में आपको कॉमन फाइल देखते हैं मेरे को, आप प्रोग्राम फाइल के अंदर मिलेगा आपको। ऑटोडेस्क पे क्लिक करके डिसप्लिन में यहाँ पे आप सिंपली इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ओवरराइट करना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें है इसलिए ओवरराइट करना है। करने के बाद आप यहाँ पे टी स्प्रिन का फाइल सेटअप नहीं दिखेगा आपको, सीधे वो राइनो में ही दिखेगा। तो मैं सिंपली यहाँ राइनो ओपन कर लेता हूँ। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट पे ओपन करता हूँ मैं इस पेज को, तो थोड़ा वेट कीजिए। तो ये देखिए आप, ये ओपन हो गया है और टी स्प्लिन का प्लगइन वो हो रहा है। तो आप थोड़ा देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे आ रहा है, टूल्स सारे देख सकते हैं, सारे टूल्स टी स्प्लिन के आ गए हैं। इसको मैं सेट कर देता हूँ थोड़ा इधर, इसको क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के कुछ टूल्स उड़ गए हैं, वो आप टूल बार रिसेट कर देंगे तो वो आ जाएगा। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि टी स्प्लिन मेरा वर्क कर रहा है पूरा। तो आप सिंपली कोई भी एक टूल ले लीजिए, मैं लेता हूँ बॉक्स, हाँ बॉक्स ले लेता हूँ। देख सकते हैं कि मेरा कोई भी हैंग नहीं किया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई, सिंपली पूरा हो गया। तो मैं आपको वर्क दिखा देता हूँ पूरा प्रॉपर। एक कमांड और लेता हूँ इस पे, देखिए आप ये देख सकते हैं पूरा प्रॉपर अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं सॉलिड करता हूँ, सॉलिड करके देखते हैं सॉलिड का ऑप्शन ये रहा। अब देख सकते हैं यहाँ सॉलिड एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये छोटा छोटा है थोड़ा, इसलिए बॉल हो गया। थोड़ा ये बड़ा होता तो आपको अच्छा दिखता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो सिंपली मैं इसको अब क्लोज कर दिया मैंने। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे येस दिस प्रोग्राम वर्क करेक्टली का ऑप्शन भी आ गया, तो आप येस कर दीजिए इसको, क्योंकि आपका तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। वो आपसे विंडो 10 पूछ रहा है कि वर्क कर रहा है, यस। मैंने कहा यस। तो आप गाइस, जिन लोगों के टी स्क्रीन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंस्टॉल करना, अगर आपको कोई भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत आती है कि आप चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर पे मैं रिव्यू बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप बोलना मुझे आपको किस सॉफ्टवेयर के ऊपर रिव्यू करना है। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा सॉफ्टवेयर के बारे में, यूज़ नहीं इंस्टॉल करने से लेकर, और आपको अगर कोई इंस्टॉल में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा। तो बस उसके बदले आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर कर सके तो आप शेयर भी कर देना, ताकि मुझे सपोर्ट मिले आप लोगों का। तो गाइस,
थैंक्स फॉर वॉचिंग।